तो जी जनाब, ये क्या हमारी शादी का इवेंट है या हमारे जो है वो हम जो है बारात में जा रहे हैं या वलीमे में जा रहे हैं? जो भी होगा आज आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर होगा। आपने ब्लॉग को जो है वो एंड तक देखना है, बहुत ज़्यादा फुल एंटरटेनमेंट ब्लॉग है, आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच कीजिएगा। देर हो गई है, अभी पॉलर बंद भी नहीं हुआ, लड़के जो है वो काम कर रही है। मोहम्मद फिलहाल आ जाए बेटा जल्दी से, हस्बैंड जो है वो घंटी बजा रहे हैं, चलते हैं बस। फिर अगर मुझे वीडियो क्लिप मिली तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी जनाब, हम लोग गए हैं अभी शादी में, जाने लगे हैं, और यहाँ पे मैंने ये वाली मैक्सी वेयर की है, ठीक है। ये मैक्सी जो है वो मैंने ईद पे भी पहनी थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी स्लीपर पहनी है, मैं आपको चेक कराऊँ, ये वाली, ठीक है, ये वाली मैक्सी पहनी है, और मैं रेडी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो है ये टसल्स लगे हुए हैं बैक पे, और इसके स्लीव्स में कुछ काम ऐसे हुआ हुआ है, ठीक है। इतना कोई हसीन प्यारा है, नेट की एम्ब्रॉयडरी मैक्सी है, और इसका जो अस्तर है इसका जो, तो ये जो है प्रिंटेड है। हस्बैंड भी जो है बस रेडी हैं, मोहम्मद बिलाल भी रेडी हैं, है मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल आप चल रहे हैं? मोहम्मद हसन को तो हमने नानू घर छुड़वा दिया है ना, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करें ये वाला ड्रेस, भाई देर हो रही है। जी बस चले, हस्बैंड भी कह रहे हो रही है देर, ठीक है। तो ये वाली मैक्सी है, तो बस हम अभी बस निकलने लगे हैं, मैं पार्लर में देख लूँ। हाँ हाँ, लड़कियों का, हाँ हाँ भाई, हो गया तुम लोगों का काम? जनाब मैं हो गई हूँ रेडी शेडी, और अभी बस हम निकलने लगे हैं। मोहम्मद हसन को जो है वो मैंने छुड़वा दिया था अम्मी के घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अभी पॉलर बंद भी नहीं हुआ, लड़के जो है वो काम कर रही है। मोहम्मद फिलहाल आ जाए बेटा जल्दी से, हस्बैंड जो है वो घंटी बजा रहे हैं, चलते हैं बस। फिर अगर मुझे वीडियो क्लिप मिली तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी जनाब, यहाँ पर जो है वो हम लोग निकल गए थे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, और मैं आप लोगों को पता है जब मैं किसी शादी में जाती हूँ तो मुझे मौका मिलता है मैं फ़ौरन से जो है वो बाहर की क्लिप्स जो है वो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कि क्या ये क्लिप्स शेयर करना आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं। तो देखो, ये जो है वो हम लोग रस्ते में थे, और यहाँ पर जो है वो हम पुल पर जो है वो एंटर ही होने वाले थे, और आप लोगों को पता है कि जो कुरंगे वाला पुल है उस पर जो है वो एक और पुल ऊपर से जो है वो क्रॉस में बनने जा रहा है, ठीक है। और अगर आप जो है वो शाहफैसल से हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोग कौन से एरिया से या फिर कौन से कंट्री से मुझे देख रहे हो ये भी बताइएगा। और एंड में जो है वो हम लोग यहाँ पे पेट्रोल डलवाने लग गए थे, और हमने ये जो मैं आप लोगों से क्लिप शेयर कर रही हूँ ये कर रही हूँ देर से ये वाला व्लॉग, क्योंकि जब पेट्रोल था 324 था जब हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया था ना, तो जब अब तो खैर जो है वो 284 ऐसे कुछ हो गया है, लेकिन जब हमने ये वाला पेट्रोल डलवाया था जब वो है काफ़ी महंगा था। मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस व्लॉग में भी शेयर किया था कि जब हम लोग शादी में जा रहे थे तब हम लोगों ने जो है वो पेट्रोल डलवाया था, काफ़ी महंगा था। तो ये जो है व्लॉग जो है वो तब तक जब का ही है, ठीक है। और हम लोगों ने बस जल्दी से पेट्रोल डलवाया और हम लोग पहुँचे अपनी जो है वो डेस्टिनेशन की तरफ, और यहाँ पर ये जो है कोस्ट गार्ड की तरफ है, और यहाँ पर आप देखिए कितने सारे हॉल हैं, इतने सारे हॉल हैं, और ये जो रास्ता पड़ता है ना हॉल का, इतना कोई रश होता है, इतना रश होता है, जैसे जहाँ स्कूल होते हैं ना सुबह सुबह उस रस्तों में जो है वो रश हो रहा होता है, बच्चे हर तरफ स्कूल जा रहे होते हैं, तो इसी तरह रात में जब ये एरिया होता है ना तो वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा वाला रश होता है। इतनी तो मैंने कारें दुल्हों की देखी जो सजी हुई थी बारात, अब यहाँ भी देखिए प्रोटोकॉल से जो है वो दूल्हे की कार जा रही है, और आजकल जो है ट्रेंड में आप लोगों को भी बताऊंगा कि ऐसा चला है कि चार गाड़ियां पीछे चार गाड़ियां आगे, बीच में दूल्हे की गाड़ी, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा हो। खैर, तो यहाँ पर इसी तरीके से प्रोटोकॉल से जो है ना वो आगे, आप सामने देखें एक ट्रक में जो है ना वो पूरा फुल डीजे सिस्टम किया हुआ है, और खूब लाइटिंग शाइटिंग की हुई है, सब बच्चे लड़के वगैरह जो है वो आगे जो है वही गाड़ी में उतना खूब जो है वो शोर शराबा कर रहे थे, और आवाज़ जो है वो मैंने इसलिए म्यूट कर दी थी क्योंकि इतना कोई शोर था गाड़ियों का, इतना कोई हारन वगैरह बज रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इसको म्यूट ही कर देती हूँ क्योंकि आवाज़ तो आ ही नहीं रही थी। और यहाँ पर जो है वो हमारे हॉल जो है वो स्टार्ट हो गए थे, तो हम यहाँ पर जो है वो वन बाय वन अपना हॉल चेक कर रहे थे कि कौन सा हमारा हॉल है और हमें जो है वो कहाँ जाना है, तो हम लाइन बाय लाइन जो है वो चेक करते जा रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि हमको जहाँ जाना है वो वाला ये वाला हॉल है ही नहीं। तो भाई हम लोगों ने गाड़ी घुमाई दोबारा, और हम लोग जो है वो जिस तरह हमने जाना था हम लोग तकरीबन रॉन्ग जो है वो रास्ते पर आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने जो पूछा जो मेन गेट पे जो गार्ड्स खड़े होते हैं तो उन्होंने हमें बताया, तो फिर हम लोग दोबारा गए, तकरीबन 5 मिनट की दूरी पे था, तो ये है कि हम लोग दोबारा जो अपने रास्ते सही रास्ते पे गए और हम लोग अपने हॉल पे पहुंच गए थे। और यहाँ पर कोई, आप चेक करें, मैंने यहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन कौन से हॉल थे, और हम लोगों ने जो है ना काफ़ी ख्वारी उठाई, वैसे हम लोगों को देर हो गई थी। और जब आपको पता है जब देर हो जाए ना तो इस तरह की और देर हो जाती है कि गलत रास्ते पर चले जाओ या हॉल ना मिले तो फला फला,
तो काफ़ी जो है ना, लेकिन ये है कि हम लोग जो है वो जब जहाँ हम हॉल पे पहुँचे वहाँ पर भी मेहमान इतने नहीं आए थे, मेहमान आ गए थे, और लेकिन जो और जो दूसरे मेहमान हैं यानी कि हम लोग वलीमे में जा रहे थे तो जो लड़की वाले नहीं आए थे वलीमे में, यानी कि जिसको दुशहरी वाले बोलते हैं वो भी, और यहाँ पर हम लोग जब जा रहे थे अब मैंने यहाँ पर जो है वो शूट करा यहाँ पर जो है वो बारात आई थी किसी हॉल में, और यहाँ पर आप देखो आतिशबाजी हो रही है, और इतना कोई प्यारा लग रहा था ना मुझे ये आतिशबाजी, ऊपर की जो आसमान पर जो ये फटते हैं ना बड़े खूबसूरत लगते हैं, आप चेक करें कितना प्यारा लग रहा है। तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। देखो आपको आपकी जो व्लॉगर वाली आपकी कितनी ज़्यादा मेहनत करती है, देखो एक बंदा बाहर गया है, अपना फिक्र नहीं, अपने मोबाइल की फिक्र नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ ये क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और जो लोग चैनल को नया देख रहे हैं तो वो उनका भी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फाइनली हम जो है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए थे, अपने वेन्यू पर पहुँच गए थे, और यहाँ पर आप हॉल चेक करें, व्यू चेक करें, माशाल्लाह से इतना कोई ख़ास जो है वो अच्छा सजा हुआ था, और यहाँ पर मेहमान अभी आना स्टार्ट हुए थे, और ये जो आ रहे हैं ये लड़की वाले के घर वाले थे, यानी कि वलीमे का इवेंट था तो लड़की वाले आए थे, और हम लोग सही टाइम पे पहुँच गए थे, यानी कि हम लोग जो है वो बैठे 10-12 मिनट बैठे थे, उसके बाद जो है वो लड़की वाले आ गए थे, हम लोग समझ लिया हम लोग जो है वो टाइम पर पहुँच गए थे, और मैं आपको जो है वो पूरा व्यू दिखा रही हूँ। और अगर आप लोग जो है वो गैस कर गए हो कि ये कौन सा जो है वो बैंक्यूट है या कौन सा हॉल या किस तरफ है, आप ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा है। और ये जो है वो मेरे दोनों भतीजे हैं हसनैन और हुनन, ये दोनों भाई हैं, और यहाँ पर ये जो पापड़ों से खेल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं कुछ खेल रहे हैं, और मोहम्मद दिलाल ने लोगों के साथ जो है दोनों भाइयों के साथ खूब इंजॉय किया, खूब जो है ना मस्ती करी इन लोगों ने। और यहाँ पर जो है ना ये बड़ा हॉल था तो जो है वो दो पार्ट किया हुआ था, यानी ए और बी, तो इस तरफ जो है वो हमारा वलीमा हो रहा था, और जो पीछे वाली साइड पे यानी कि बराबर में बारात हो रही थी। वो हमें ऐसे पता चला कि जब वलीमे की एंट्री ख़त्म हुई तो हम लोगों का डिनर स्टार्ट हो गया था, तो बराबर में जो है वो बारात की एंट्री यानी कि जो होता है ना बाबा मैं तेरी मलका वो वाला जो है वो सॉन्ग हुआ, तो हमने कहा यहाँ पर बारात हो रही है तो वहाँ की एंट्री हो रही थी। यहाँ पर आप चेक करें हम अपने वेन्यू पर थे, और जो है वो काफ़ी इंजॉय करा, मज़ा आया, ठीक है। और जब अपनी शादी होती है यानी कि अपनी किसी अपने सगे की शादी होती है या बहन की भाई की देवर या अपनी नंदों की कुछ भी होती है तो उसमें हमें थोड़ा सा बर्डन होता है, खड़े रहो अपनी जिम्मेदारी निभाओ, और मतलब जैसे मेज़बानी ये होता है, अगर हम किसी की शादी में जाते हैं ना इसमें ज़्यादा ही बंदा जो है ना वो इंजॉय कर लेता है, तो आप इससे एग्री करते हो तो ये भी बताइएगा, क्योंकि और फिर जब अपनों की शादी होती है तो इसको तैयार करो उसको तैयार करो, आपको पता है मेरा पॉलर है तो फिर जो है वो काफ़ी मसला हो जाता है, और जब किसी दूसरों की शादी में जाते हैं तो बस फटाफट से खुद ही तैयार होना होता है, और हाँ कोई पॉलर में काम हुआ तो हुआ और नहीं हुआ तो फिर भाई मौजी हो गया और अपना आराम से रिलैक्स होकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन अभी जब मैंने जहाँ पर जब मैं आई थी मैंने तैयार मैं तकरीबन 3 मेकअप कर आई थी यहाँ पर भी, तो जो है वो ये है कि मैंने टाइम से कर लिए थे मेकअप, और यहाँ पर जो है वो भतीजी को इतनी नींद आ रही थी तो मैंने कहा बेटा आप आई क्यों हो, और इसको शादी में जाना भी अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चाची मेरा दिल कर रहा था और वो नींद में पूरी फुल टोन है, और अभी खाना भी नहीं खुला था और बस वो मुसलसल हाय 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 करे जा रही है, उसको इतनी नींद आ रही थी। वो मेरी इस भतीजी का नाम है हिफ्जा, और जो है फिर उसके बाद हम लोगों का जो है वो एंट्री हो गई थी दूल्हा दुल्हन की एंट्री के बाद जो है वो स्टेज पर थे, और ये खूब लाइटिंग हुई थी, बड़ा प्यारा लग रहा था स्टेज, मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा कुछ अट्रैक्ट लगा, अच्छा लगा, कुछ अरेंजमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो सॉन्ग चल रहे थे, एज़ यूजुअल अगर मैं इसका म्यूज़िक जो है वो खोल देती आप तो फिर जो है वो मुझे कॉपीराइट आ जाता, तो इस वजह से जो है मैंने इसको अवॉइड किया और म्यूट करके जो है वो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हो गया था हमारा खाना स्टार्ट, तो वो जो है वो एक एक करके पहले आ रहा था सलाद रायता, इस तरीके से आपको पता है हॉल में जब आप लोगों का बुफे सिस्टम ना हो और टेबल सिस्टम हो तो जो है वो इसी तरीके से बारी बारी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या था, ये था हमारा कढ़ाई, चिकन कढ़ाई था, बिरयानी थी, और जो है वो रायता सलाद, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सारी चीज़ें थी, और मीठे में था आई थिंक लबी शीरी था या कुछ, मुझे खास से याद नहीं है, अब याद आएगा सामने नज़र आया तो मैं आपको बता दूँगी। लेकिन हर चीज़ खाना माशाल्लाह से अच्छा था, खाने की तारीफ ही करनी चाहिए, क्योंकि किसी को क्या पता कि कितनी मुश्किल से किसी बाप ने कमा के शादी की है। हाँ जो मीठे में खीर थी बहुत मज़े की थी, रबड़ी खीर। जनाब बस अभी हम लोग जो है निकलने लगे हैं, और सो आई होप सो कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अनदर व्लॉग में अनदर टॉपिक के साथ, जब तक अनमोल खदीजा शेफ को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।